सिदाजी अब पहले तो ओवैसी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया अब सुप्रीम कोर्ट को धोखा कोई दे सकता है तो इन्हीं के शब्द हो सकते हैं भारत में ऐसा कोई नागरिक नहीं मिलेगा जो ये कहेगा और दूसरी बात जो है वो राम लल्ला का जन्म स्थान था वो पहले भी था कोई कब्जा करेगा फिर भी रहेगा उस पर और उसपे मंदिर बनेगा ये भी एक आस्था है नहीं नहीं आस्था है मगर कोर्ट ने तो नहीं माना उस बात को पढ़ते नहीं है ना जजमेंट अगर जजमेंट पढ़ लेते तो कोर्ट ने नहीं कहा कोर्ट ने बात ही नहीं कही कोर्ट ने कहा कि आपका पोजीशन है इसलिए हम आपको दे रहे हैं कोर्ट ने तो यहां तक भी कह दिया जजमेंट में कि वो 6 दिसंबर की जो हरकत थी गलत हरकत थी अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या होता खैर छोड़ दीजिए बाबरी मस्जिद तो हमारे लिए वो मस्जिद है और रहेगी मगर हम नहीं आया होता तो से क्या से होता ये भी हम लोग को नहीं पता अभी तक अयोध्या से अब परहेज हो जाएगा क्यों परहेज होगा हूं। अरे भारत का हिस्सा है मैडम हमको क्यों परहेज होगा किसी भारत के हिस्से से फैक्ट है हम फैक्ट को बता रहे हैं कि आजाद हिंदुस्तान में ये हरकत हुई है और सुप्रीम कोर्ट को आपके कल्याण सिंह की सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि हम स्टेटस को बरकरार रखेंगे आज तक सुप्रीम कोर्ट ने वो कंटेम पिटिशन को हियर नहीं किया है वो पटिशन आज भी है ये कमिटमेंट आपने दिया था आपकी सरकार ने बीजेपी को उस वक्त की और आपने उस कमिटमेंट से आप वो कर गए ऐसा है अंजना जी गुलाम भारत के अंदर बाबर आके मंदिर तोड़ सकता है ये आजाद भारत है इसमें कोई ऐसी हरकत कर नहीं सकता जिसने गलत किया उसको सुधारेंगे भी हम मतलब आप भी हिंदुत्व के इर्द गिर्द क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर विषय वो नहीं है वो नहीं है विषय यह है कि आप एक नागरिक हैं भारत के और भारत के नागरिक होके कोई बाहर से आए और वहां पे सजदा करने के लिए किसी को तोड़ के बनाए तो यह कौन सी सजदा है पर आप लोग कैसे मगर फिर तो उसको करेक्ट कर रहे हैं। आप करिए ना हम कब मना करते हैं हम तो कहते हैं स्वागत है आप करिए और करिए अच्छा करिए राम मंदिर की भी भूमि पर स्कैम हो गया की, इतनी की जमीन इसका, थी इतने इसका मैं, मेरे से जवाब नहीं देरी हो, रही है। देरी हो रही है उसके लिए बी सक्षम है उन्होंने जवाब दिया है और उसका जवाब आप लोगों के बीच में है पॉलिटिकली आपने भी उस मुद्दे को उठाया था वो कह रहे हैं कि बी ने जवाब दे दिया उन्होंने कहा उस रेट रेट के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग था आपके आज तक ने मुझे जमीन के मसले पर बुलाया था मैंने कहा मैं इस मसले में आऊंगा नहीं मैं तो कह रहा हूँ मेरी मस्जिद थी है और रहेगी मैं जमीन के मामले क्यों जाऊंगा मेरा बोलना फिर सही है कि अगर 6 दिसंबर को बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करते तो क्या सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता था क्या चलिए अब चुनाव में ओवैसी फैक्टर पर जरा आते हैं बिहार में आप एक तरह से गेम ब्रेकर साबित हुए विपक्ष के लिए गेम ब्रेकर किसका गेम ब्रेक किया आपने किया जो गेम आरजेडी का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सीट वो हारे और इनकी सरकार सवाल क्या आपका बोलिए आप किंग मेकर हैं गेम ब्रेकर हैं क्या है आप यूपी में आपकी क्या भूमिका है ना मैं किंग मेकर हूं, ना मैं गेम ब्रेकर हूं ना मैं स्पीड ब्रेकर हूँ हंड्रेड आउट ऑफ फोर हंड्रेड सुनिए सुनिए मैं वो हूं जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में एक लीडरशिप को पैदा करने के लिए आया हूं मैं लीडर बने नहीं आया हूं हम अब बहुत पिछले पैंसठ साल से इन नाम सेकुलर पार्टियों के पैरों का फुटबॉल बनते रहे सेकुलर पार्टी बीजेपी का डर दिखाती बीजेपी हमारा डर हमारे हिंदू भाइयों को दिखाती और अपना अपना ये लोग दुकान चलाते हैं मैं यहां पर एक ऑथेंटिक लीडरशिप को बनाने आया हूं और बना कर रहूंगा मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन गेम खेलता है क्या खेलता है अब हम अपना गेम खेलेंगे हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को बनाएंगे यह हमारा मकसद है आखिर कब तक मुसलमान बीजेपी से डरता रहेगा आखिर कब तक मुसलमान अखिलेश यादव का अरे एम वाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं डराते हैं बीजेपी से और मलई खिलाते हैं वाई को खाली क्या गरीबी मेरा मुखदर बन जाएगा क्या मैं ऐसा ही डरते रहूंगा क्या लीडरशिप आएगी नहीं बात नहीं करेगी हर समाज की यहां पर लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में अगर किसी की लीडरशिप नहीं है तो मुस्लिम समाज की नहीं है और अगर जो भी अपने आप को जो कहते हैं वो तमाम के तमाम तो गूंगे हैं शो बॉयज हैं